आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नमस्कार, आकाश भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं जनपद भदोही के ज्ञानपुर में। थोड़ी ही दूर पर तहसील ज्ञानपुर है, जहां बड़े बड़े नेता कहा जाए तो पर्चा भरने आए हैं और बताते हैं कि जनपद से, अपने कार्य क्षेत्र से हम गरीबी, भुखमरी, ये सब चीज़ें मिटा देंगे, इसको हटा देंगे, लेकिन ऐसा कहीं देखने को मिल नहीं रहा है। अब इसका एक नमूना, हम अभी लौट रहे थे तहसील से और हमने देखा कि यहाँ दो बच्चे हैं और लगभग जो समय हो रहा है वो 2:30 बजे का हो रहा है और ये बच्चे अभी खाना खा रहे हैं। क्या नाम है बेटा? राजेश। राजेश, कहाँ रहते हैं आप? ज्ञानपुर में। किस जगह रहते हैं? हरेनाथ मंदिर। हरेनाथ मंदिर पे रहते हैं? तो वहाँ घर है आपका? गांधी जी। हाँ, गांधी जी। गांधी जी, अच्छा। तो पापा क्या करते हैं बेटा? काम करते हैं। अच्छा, मम्मी? अरे घर रहती। मम्मी घर रहती हैं? खाना बनाती हैं। तो आप अभी खाना क्यों खा रहे हैं? कितने बजे, कितना बज रहा है? 2 बज रहा है। अभी अभी खाना मिला आपको? कैसे मिला खाना? कैसे मिला बेटा खाना? मांग के खा रहे हैं आप बेटा? अभी पढ़ने जाते हैं? नहीं। पढ़ने कभी नहीं जाते? क्यों नहीं जाते बेटा? हैं, पढ़ना अच्छा नहीं लगता क्या? अच्छा नहीं लगता कि जाते नहीं? नहीं जाते। ये स्थिति है हमारे जनपद की और जनपद में ज्ञानपुर की, जहां बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि खूब विकास हो गया है। अब ये कैसा विकास है, इस विकास को आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का विकास हो रहा है। जब रोटी के लिए बच्चों को मांग के खाना पड़े, स्कूल जहां सर्व शिक्षा अभियान की बात की जा रही है, वहां बच्चे इस तरह से बिना कपड़ों के बैठे हुए हैं, इनके पास कपड़े तक नहीं हैं। इनके बारे में आखिर यहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रशासन क्यों नहीं सोचता, क्यों नहीं इन परिवारों तक पहुंच होती है? तमाम योजनाएं आती हैं, वो योजनाएं या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं या वो योजनाएं इन तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी देर हो जाती है। आखिर इसमें सुधार कब होगा? जिला प्रशासन और यहाँ के नेताओं से मेरा पूछना है कि आखिर इस तरह की जो लापरवाही है, जो दिखावा है, जो ढोंग है कि जनता के लिए काम किया जा रहा है, अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए काम किया जा रहा है, तो ये अंतिम पायदान के बच्चे नहीं है क्या? क्या इनके लिए, क्या इनका अधिकार नहीं है ये शिक्षा पाएं? क्या इनका अधिकार नहीं है कि अच्छे कपड़े पहने? क्यों नहीं इनकी तरफ ध्यान दिया जाता है? चलिए, इसके साथ ही हम फिर किसी मुद्दे के साथ मिलेंगे अगली खबर में। धन्यवाद। जय हिंद, जय। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।